अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम विज़िट करने आए हैं कुंभी संतीर महल। मैं कहते हैं आपको भी सामने विज़िट कराऊं। जब हम ऐसे थे तो पहले तो उन्होंने कोई टिकट वगैरह नहीं थी, लेकिन फिर उन्होंने हम सबसे 10-10 रुपये टिकट ली है और हम 6 बंदे थे। फिर हम लोगों ने 60 रुपये दिए और टिकटों के और हम अंदर आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको पता बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लंडे की भी हर तरह की भी। ये देखिए ज्वेलरी वगैरह हर चीज़ है। ये सियालकोट की संती नुमाइश है जिसे लंडा बाज़ार भी कहते हैं। लंडे बाज़ार के साथ साथ उन्होंने ये इस तरह की चीज़ें भी साथ रखी हुई हैं। ये देखिए जी, अब हम लंडे के अंदर जा रहे हैं। अच्छे मुझे 2 स्वेटर मिल गए थे, मैंने अच्छे लिए थे और मुनासिब कीमत थी। ये देखिए मैं कहा चलो मैचिंग सूटों के साथ स्कूल जाना होता था, चलो बंदा पहन लेता है। ये देखिए लंडा, इधर देखिए, इधर तो हमें कुछ नहीं था खास मिला। ये लक्कड़ की चीज़ें बनी हुई थी, इतनी प्यारी। आप देखिए हर हर मतलब के बर्तन था लक्कड़ का, बहुत ही प्यारा था। हार्ट पार्ट थे वो बड़े प्यारे थे, वॉल क्लॉक थी, सारी चीज़ें बड़ी प्यारी थी, लक्कड़ की बड़ी प्यारी बनी हुई थी। ये देखिए जैसे ये टेबल था लक्कड़ का, ये वॉल क्लॉक्स, ये हार्ट पार्ट थे, ये देखे सही थे। और इसमें चीज़ भी काफ़ी गर्म रहती है। ये देखिए हर वैरायटी के थे यहाँ पे, वुड के ये बने हुए हैं लेकिन बड़ी शानदार थे, अच्छी चीज़ें लग रही थी लुक वाइज। ये देखे ये भी हार्ड पार्ट है लेकिन ये बड़ा हैवी था। ये देखे बहुत ही यूनिक चीज़ें थी ये, हर चीज़ थी। ये देखे वॉल क्लॉक, ये देश की बनी हुई थी कढ़ाई नुमा। ये देखे ये सारे हार्ड पार्ट थे, ये ट्रे थी, सारी चीज़ें थी। ये ज्वेलरी बॉक्स था, ये चमचे वगैरह थे, वो चिमटा था, ये देखिए ये चिमटा, वो चम्मच वगैरह थे। बहुत अच्छी लगी थी, जल्ला के नाम की तस्वीरें भी बड़ी प्यारी थी। ये सारे छोटे छोटे ज्वेलरी बॉक्स थे, बहुत अच्छे लगे थे ये। फिर उस वहाँ मेरी बेटी कहती है कि नानू मैंने चिप्स खाने हैं। फिर नानू ने उसको चिप्स ला के दिए, गंदा तेल था लेकिन उस वहाँ बहस ना आई, उसने खाने होते हैं। फिर ये बर्तनों वाली शॉप थी, यहाँ पे हर किस्म के बर्तन थे लेकिन जैसे जैसे महंगाई है वैसे वैसे बर्तन भी बड़े महंगे थे। ये जो जिसे छापा कहते हैं वो भी बड़ा महंगा सी, 100 रुपये का सी एक। ये देखे जिसको चंगेर कहते हो तो लोग उर्दू च वो। ये देखे जो वाटर बोटल वगैरह, इतों तू हर चीज़ मिल जाएगी। जो भी सियालकोट रहा भी मैं कहनी हाँ जरूर अस संती नुमाइश का विजिट करें। और वैसे भी हूँ खत्म होने वाली, वो कह रहे सर कि 7 दिन बाद खत्म हो जाएगी। ये देखे बर्तन बहुत ही प्यारे और यूनिक बने हुए थे यहाँ पे बर्तन, अच्छे हैं। मतलब कि चलो जहेज वगैरह के लिए नहीं लेकिन गर्मी आम यूज़ करने के लिए ये सही थे, कम प्राइस थे और अच्छे थे। लेकिन फिर भी सही है तो वैसे बाजार जैसे ही रेट था इनका, लेकिन चलो कोई नहीं, एक जगह तो चीज़ मिल जाए तो वो सही है वे। बाजार से तो जगह जगह फिरना पैंता है, तो चलो एक ही जगह पर आओ तो सारिया चीज़ा ले लो। ए वे खड़ौने शोने सन सारे, जकरिया मेरे नाल नहीं सी गया, नहीं तो जकरिया ने तो कहना सी मामा मैं भी लैना है, भी लैना है। ऐ वेखो हर तरह के टॉयज सन इत्थे। फिर असी एक दुकान तक गए सर, उत्थे सानू कपड़े बड़े पसंद हैं सर, हर तरह के डंडे दियाँ चीज़ा टॉयज वगैरह। मेरे बच्चे वे हो गए उन्होंने नहीं जरूरत होनी। ऐ वेखो तुम जरा स्टफ टाइम नहीं होंगे जो ये ये भी ना उसने कहा कि ये बुर उतारने वाली मशीन है, इससे बुर उतर जाती है। वो फिर हमने शोकिया शोकिया ना स्वेटर पे की बुर बुर उतारी स्वेटर की, लेकिन वाकई उतर रही थी। ये देखिए हमने कहा कि हमें दिखाएं तो सही, लेकिन वो कह रहे ये इधर से नहीं मिलता, सियालकोट से नहीं मिलेगा, लाहौर से मिलेगा। ये देखिए वाकई जब हम उतारे थे ना मज़ा भी आ रहा था और उतर भी रही थी। ये देखिए ये चार्जिंग वाली थी, ये देखिए कैसा गंदा है इसके अंदर। ये भी संती नुमाइश थी, कितनी शॉप्स तो भी इन्होंने बंद कर दी हुई थी क्योंकि इनका अब क्लोजिंग का टाइम है ना,
तो उन्होंने कितनी शॉप बंद कर दी थी, सात कहते 7-10 दिन तक हमारी ये बंद हो जानी, क्योंकि ये सर्दियों का सीजन लगाते हैं ना इसलिए। फांटा पाले फांटा खुलते ही मन फांटास्टिक हो जाए। इधर जूली वाली शॉप भी थी, तो साथ ये जो बलोची हमारे कल्चर वाले ड्रेस है वो भी सामने, मतलब कि अगर किसी का कल्चर फंक्शन है जो भी है वो इतों आके ले सकता है। कोटियाँ सब बनी थी बढ़िया प्यारे सिंधी स्टाइल के, ये थे बलोची कपड़े थे बच्चों के जो आजकल चले हुए हैं, ये टोपियाँ थी हर तरह की बलोची सिंधी पठानी डिजाइन ड्रेस भी थे पठानी सिंधी हर तरह के। इधर ये देखे कोटिए कितनी शानदार थी बनी हुई, ये पड़स वगैरह ये सारे सिंधी का कल्चर है। और इधर शॉल्स भी थी बड़ी प्यारी, वो कह रहे थे कि हम कर ननान का गान में बड़ा भारी होते हैं तो हम इधर आ जाते हैं, तो ये देखो दिखा रहा था ये, लेकिन अच्छी बनी हुई थी शॉल, लेकिन महंगी बता रहा था 1500 की, मैंने कहा चलो 500 की लगा लिया तो दे दो। और ये इधर सॉक्स वगैरह की शॉप थी हर तरह की, छोटी बड़ी गर्ल्स बॉयज की सबकी यहाँ पे सॉक्स थी, वो भी हमने देखी, वैरायटी भी ठीक ही थी। लेकिन मुझे इंटरेस्ट ही था ना कि मैं लूँ, इसलिए मैंने नहीं ली। ये एक्सपोर्ट का माल होता है यहाँ पे, लेकिन ये न्यू था, ये लंडी का नहीं था, जैकेटें वगैरह। लेकिन बस ऐसे ही हम विजिट करके तो बाहर आ गए। ये देखे ये अब हम वापसी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और घर में जाके खाना वगैरह भी बनाना था। ये जूतों की शॉप थी एक, अच्छे जूते थे नॉर्मल, पता के ये ज्वेलरी थी, इन्होंने एक एक उस लिया ज्वेलरी नाम वाली, उस वाले भी तो हाला ने भी उसकी। चले उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।